this could be us. So back to what I was saying. This could be us. हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज़ गौरव पांडे एंड वेलकम टू स्टॉक स्टॉक्स। सो इस वीडियो में मैं सेक्टर एनालिसिस करने वाला हूँ। जो पिछले वीक भी मैंने एक सेक्टर एनालिसिस वाली वीडियो डाली थी और वो भी बहुत अच्छी एनालिसिस मेरी निकली थी, तो इस वीक भी मैं वीकली सेक्टर एनालिसिस डाल रहा हूँ। और इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि कौन से सेक्टर हैं जो इस वीक आप अपने रडार में रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो सेक्टर है, हम एक एक करके सारे सेक्टर्स को देखेंगे और उनमें ये देखेंगे कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम उन्हीं सेक्टर के स्टॉक्स पे फोकस करेंगे इस वीक। तो पहला जो सेक्टर है वो है निफ्टी आईआईटी। तो निफ्टी आईआईटी हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें ये चार्ट थोड़ा बेयरिश दिख रहा है, क्योंकि इसमें यहाँ पर एक थोड़ा सा सपोर्ट था जो कि ब्रेक हो चुका है वीकली में, तो हमें ये थोड़ा वीकली में बेरिस दिख रहा है। तो हम इसको डेली में देखेंगे, डेली में ये चार्ट कैसा दिख रहा है ये देख लीजिए। जो वीकली वाला जो मैंने सपोर्ट बनाया था वो देखिए कितना अच्छा काम कर रहा है इस वीक पे, डेली पे भी। तो ये बहुत अच्छा है, डेली पे भी इसमें ये ब्रेक हो चुका है ये सपोर्ट, और हम इसमें डिमांड जोन ढूंढने की कोशिश करते हैं। डिमांड जोन अगला इसमें यहाँ पर कोई रिसेंट डिमांड जोन नहीं है, और नेक्स्ट जो सपोर्ट है इसका वो है इस लेवल पर, ये है नेक्स्ट सपोर्ट। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसकी ये 34,000 के लेवल तक वापस आ जाए। तो निफ्टी आईटी मुझे थोड़ा बेयरिश लग रहा है इस वीक, और तो हम इसमें एक देखेंगे हमको एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है, ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है इसमें, ये देखिए ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है। हम इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो ज़्यादा क्लियर दिखेगी, 4 आवर टाइम फ्रेम में हम गए तो यहाँ देखिए ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है। तो हम बुलिश स्टॉक में तभी होंगे जब ये ट्रेंड लाइन प्लस ये वाला जो सपोर्ट है, जो ये वाला हमारा, तो हम बुलिश स्टॉक में तभी होंगे जब हमारी ट्रेंड लाइन और ये वाला सपोर्ट ब्रेक होगा, तभी हम स्टॉक में बुलिश होंगे। तो अभी हम देखते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम में हमें क्या कोई डिमांड जोन दिख रहा है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हमें एक डिमांड जोन दिख रहा है जो कि इसी लेवल पर है, इस सपोर्ट के लेवल पर ये रहा डिमांड जोन। तो हमें अभी पूरी चांसेस हैं कि यहाँ पर से ये 34,000 तक एक बार लेवल टच करके वापस ये जा सकता है, लेकिन हम बुलिश स्टॉक में तभी होंगे जब ये अपनी ट्रेंड लाइन प्लस 34,500 का रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा। तो अब हम जाते हैं दूसरे सेक्टर पर। तो दूसरा सेक्टर जो कि है वो है हमारा निफ्टी फार्मा। तो निफ्टी फार्मा हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है कि इसमें एक डिमांड जोन बन रहा है, बहुत अच्छा डिमांड जोन है ये वीकली टाइम फ्रेम में, और अभी भी ये डिमांड जोन के अंदर ही है। सो बहुत ज़्यादा मुझे ये अभी निफ्टी फार्मा बुलिश लग रहा है। तो हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखें कि हमको ज़्यादा क्लियर लगेगा। हम छोटे टाइम फ्रेम में भी हमने देखा कि इसमें सेम डिमांड जोन है, सेम डिमांड जोन इसमें डेली टाइम फ्रेम पर भी बन रहा है जो कि रहा ये वाला डिमांड जोन, और उसी डिमांड जोन में भी CNX फार्मा ट्रेड कर रहा है। तो हम और छोटे टाइम फ्रेम में एक बार देखेंगे, 4 आवर में देखा हमने तो 4 आवर में भी इसमें भी एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी, और अभी भी हम CNX फार्मा बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। तो मेरा पहला जो सेक्टर है जो कि इस वीक रडार पर रहेगा वो है CNX फार्मा, निफ्टी फार्मा मेरा रडार पर रहेगा। तो तीसरा सेक्टर की तरफ हम जाते हैं जो कि है मीडिया सेक्टर। तो हम बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे, और उसमें हमें दिख रहा है कि एक बहुत अच्छा डिमांड जोन बन रहा है, इसमें वीकली में बहुत अच्छा डिमांड जोन बन रहा है, और डेली पर अगर हम देखें तो डेली पर भी इसमें कोई हमें डिमांड जोन अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं इसमें ट्रेड मीडिया सेक्टर में ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि ये अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास है, और ऑल टाइम हाई से फॉल शुरू हुआ है तो ये कम से कम अभी थोड़ा सा ज़्यादा फॉल करके इस डिमांड जोन पर मैं इसमें एंटर करने की कोशिश करूँगा। ये वाला जो डिमांड जोन है वो बहुत अच्छा डिमांड जोन है निफ्टी मीडिया के लिए। तो और हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें, 4 आवर टाइम फ्रेम भी बहुत अच्छा डिमांड जोन बन रहा है, और ये डिमांड जोन भी एंट्री लेने लायक है। तो CNX मीडिया में अपने रडार पे रखूँगा, अगर कोई अच्छा स्टॉक इस सेक्टर में मुझे मिला मैं इसमें तभी ट्रेड लूँगा। अब जाते हैं अपने नेक्स्ट सेक्टर जो कि है निफ्टी इंफ्रा की तरफ। तो निफ्टी इंफ्रा हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में भी ये अभी भी डिमांड जोन में एंटर कर चुका है, और डिमांड जोन में ही ट्रेड कर रहा है, तो इसमें हम एंटर अभी भी रिसेंट में कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत अच्छा सेक्टर है अभी ट्रेड करने के लिए। डेली में भी इसमें सेम डिमांड जोन है, और वीकली में भी इसमें सेम डिमांड जोन है, तो 2 डिमांड जोन्स का इसमें सपोर्ट है और हम इसमें बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। तो CNX मीडिया और CNX फार्मा, अभी मैं मीडिया को थोड़ा हटा देता हूँ क्योंकि अभी मैं इंफ्रा और फार्मा पर ज़्यादा बुलिश हूँ मीडिया के मुकाबले। तो मैं निफ्टी एनर्जी की तरफ देखता हूँ, निफ्टी एनर्जी भी हमें दिख रहा है कि एक डेली पर एक डिमांड जोन में एंटर कर चुका है जो कि बहुत अच्छा डिमांड जोन है, और वीकली टाइम फ्रेम में देखें
वीकली टाइम फ्रेम में हमें कोई डिमांड जोन नज़र नहीं आ रहा, और 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम में भी हमें एक छोटा सा डिमांड जोन इसमें दिख रहा है। लेकिन मैं एनर्जी में भी अभी इतना एंटर नहीं करूँगा क्योंकि इसमें डिमांड जोन जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अभी मैं दूसरे सेक्टर की तरफ जाता हूँ जो कि निफ्टी कॉमोडिटी। ये अच्छा खासा फॉल हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई से, इसने कम से कम 8-9% अपना फॉल दिखा चुका है। तो हम इसमें वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है कि डिमांड जोन में एंटर कर चुका है, लेकिन इसका भी डिमांड जोन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हम डेली में देखें हमको कोई अच्छा डिमांड जोन दिखता है, तो डेली में भी कोई अच्छा डिमांड जोन हमें दिख नहीं रहा, लेकिन बहुत अच्छा सपोर्ट दिख रहा है जो कि है इसी लेवल पे है जिसके नीचे ये क्लोजिंग अभी नहीं दे पाया है। और अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो हम इसमें और ज़्यादा बेयरिश हो सकते हैं, और इसमें नेक्स्ट जो हमको एंट्री का पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा हमें इस लेवल पर, वो हमें मिलेगा ये वाले लेवल पर। तो मैं निफ्टी कॉमोडिटीज में एंटर करूँगा 5,332 के लेवल पर। तो मैं निफ्टी कॉमोडिटीज़ में भी अभी एंटर नहीं करने वाला हूँ। नेक्स्ट सेक्टर जो है जो वो है निफ्टी FMCG। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है और अच्छा खासा इसके स्टॉक्स में भी हमें फॉल दिख रहा है। इसमें देखिए ट्रेंड लाइन बन रही है बहुत अच्छी, जो फॉलो हो रही है वो ट्रेंड लाइन बन रही है, और इसने जो याला डिमांड जो था रिसेंट डिमांड जोन वो इसमें ब्रेक कर चुका है। ये वाला डिमांड जोन इसका ब्रेक हो चुका है, तो अब मैं इसमें एंटर करूँगा सिर्फ ये वाले लेवल पर। ये वाला डिमांड जोन इसका बहुत अच्छा है, ये वाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, क्योंकि इसके ऊपर जो बने हैं वो अलग डिमांड जोन हैं और ये ओरिजिन वाला हम डिमांड जोन इसको कह सकते हैं। ये वाला डिमांड जोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इसमें एंटर करूँगा 3,000 से 37,000 के लेवल पर। अभी मैं इसमें ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है, बहुत अच्छा डिमांड जोन ये काम कर सकता है, तो FMCG हमको बहुत अच्छे से रेडार में रखना है। ये बहुत ज़्यादा पुलिस सेक्टर है, ये हो गया और एक फार्मा सेक्टर हो गया। अभी इस वीक में या आने वाले मंथ में नवंबर मंथ में सबसे ज़्यादा पुलिस होने वाले हैं। सो अगला जो सेक्टर है वो है निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल को हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन एक ट्रेंड लाइन दिख रही है निफ्टी मेटल में। और डेली टाइम फ्रेम में देखें कि हम डिमांड जोन ढूंढते हैं इसमें, तो डिमांड जोन इसमें जो रीसेंट डिमांड जोन था वो हो चुका है ब्रेक, और इसमें नेक्स्ट डिमांड जोन कोई है नहीं, तो हम इसमें ढूंढेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये रहा एक अच्छा मेरे को सपोर्ट दिख रहा है निफ्टी मेटल के लिए, और ट्रेंड लाइन भी बहुत अच्छे से फॉलो हो रही है इसमें, और चांसेस हैं कि इस ट्रेंड लाइन से ये निफ्टी मेटल थोड़ा सा मूव दिखा सकता है। अगर यहाँ से निफ्टी मेटल मूव नहीं दिखाता है तो हम इसमें एंटर करेंगे 5,315, और इसकी ये अगर याला भी ब्रेक कर देता है तो हम इसमें एंटर करेंगे 4,995 का। मैं बाद में आने वाली वीडियो में आपको यही बता दूंगा कि कैसे हम एंटर कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि बहुत लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर बुलिश या बेयरिश एंट्री लेना नहीं आता है, तो मैं आने वाली वीडियोस में आपको वो भी समझा दूंगा। तो इसमें मैं अभी ये मेरा यही व्यू है कि मैं या तो ट्रेंड लाइन से ये कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो मैं इसमें बुलिश जा सकता हूँ, वरना मैं इसमें 5,315 और 4,995 का वेट करूँगा। बैंकिंग जो सेक्टर है उसका मैं अगली वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी और थोड़े स्टॉक्स मैं आपको इस वीक के लिए अगली वीडियो में देने वाला हूँ, तो मैं इस वीडियो में बैंक्स का एनालिसिस नहीं करने वाला हूँ। सो लास्ट जो सेक्टर है वो है निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो में मुझे टाटा मोटर्स में मैंने आपका थोड़े दिन पहले एनालिसिस किया है, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने उसमें बताया था कि टाटा मोटर्स में बहुत बढ़िया पीनेट पैटर्न बन रहा है और वो हम इसमें एंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा पैटर्न है। तो और निफ्टी ऑटो का हम एनालिसिस करें तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें इसमें कोई अभी डिमांड जोन नहीं दिख रहा है, और डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा सपोर्ट है इस लेवल पर, और यहीं से प्राइस उठी भी है, और हमारा डिमांड जोन भी है बहुत अच्छा जो कि है जहाँ ये एंटर करके निफ्टी ऑटो ऊपर जा चुका है। तो निफ्टी ऑटो अभी बहुत अच्छा सेक्टर है ट्रेड लेने के लिए। निफ्टी ऑटो में हम अच्छा ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हम इसमें ट्रेड लेंगे बस इसी लेवल तक, क्योंकि यहाँ पर एक निफ्टी ऑटो में बहुत अच्छा सप्लाई जोन है। इस यहाँ तक हम ट्रेड लेंगे, कम से कम निफ्टी ऑटो में हम नवंबर मंथ में ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एंटर करेंगे निफ्टी ऑटो के स्टॉक्स में तो हमको बहुत अच्छा मूव मिल सकता है निफ्टी ऑटो में, कम से कम 1:3 का 3.5 का रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमको मूव मिल सकता है, 5% प्लस रिटर्न्स ये निफ्टी ऑटो अभी आने वाले वीक में या मंथ में दे सकता है। लेकिन अभी मैं दोबारा बता रहा हूँ कि निफ्टी ऑटो में बुलिस हैं बस इसी रेंज तक, क्योंकि ये सप्लाई जोन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 11,800 तक निफ्टी ऑटो में बहुत बुलिस हैं, तो मैं अभी एंड इस वीक रेडार में रखूँगा अपने निफ्टी ऑटो
निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी इंफ्रा और निफ्टी फार्मा, ये चार जो सेक्टर्स हैं मेरे बहुत ज़्यादा रेडार में रहेंगे। और उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो सेक्टर्स हैं वो है निफ्टी एफएमसीजी, फार्मा प्लस निफ्टी ऑटो। सो गाइस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होगी तो मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम प्लस टेलीग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो कर देना, क्योंकि उसमें मैं स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे चार्ट्स शेयर करता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।